दिल को झकझोर देने वाली एक खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां एक 14 वर्षीय किशोर की असमय मौत मन्नतें पूरी करने से पूर्व तालाब में डूबने से हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घर वालों की धार एवं चित्कार से मोहल्ले गमगीन हो गए। यह घटना जिले के छोराही उप क्षेत्र के नारायण पिपर के पंसल्ला गांव स्थित तालाब की बताई जा रही है। मृतक की पहचान जिला समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सकरडीहा के रहने वाले रघुनाथ सहनी का लगभग 14 वर्षीय पुत्र कृष्णा के रूप में बताया जा रहा है। बताया जाता है कि मृतक सपरिवार अपने माता एवं भाई के साथ दिल्ली के मुल्तानी मोहल्ले में रहकर पढ़ाई करता था। संकट से घिरे वक्त लगभग 13 वर्ष पूर्व उसकी माँ अपने पुत्र के जीवन रक्षा के लिए दुर्गा से मन्नतें मांगी थी, जिसे पूरी करने के लिए सपरिवार 14 वर्ष बाद दिल्ली से नारायण पिपर आया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और नवरात्रि के दूसरी पूजा के दिन तालाब में डूबने से किशोर की मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि लगभग 14-15 वर्ष बाद पीड़ित परिवार मन्नतें पूरी करने दिल्ली से लौटकर अपने ननिहाल आया था। उसने बताया कि उसे तालाब की जानकारी नहीं थी, लेकिन कैसे घर से 2.5 किलोमीटर दूर जाकर तालाब पहुंचा यह घर वालों के समझ से दूर है। फिलहाल छोड़ाई ओपी की पुलिस घटना की सूचना मिलते ही सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। सर ये घटी है कि हमारे घर में खाना बन रहा था 1 बजे करीब, हम सब ने खाना खा के सब सो गए। मम्मी खा रही थी बाद में, फिर उसने मम्मी को खाना दिया था, फिर मम्मी खा के सो गई, फिर वो मतलब उसके बाद वो कहीं बाहर चला गया बाथरूम करने के बहाने, बाथरूम करने गया था। तो फिर वो बाथरूम करने गया ना, फिर बहुत देर तक आया नहीं। 3 बजे हम सब उठ गए घर के फैमिली, 3 बजे उठ गए। फिर उसे देख रहे हैं, मेरी बहन पूछ रही कहाँ गया। तो मेरा एक भाई है जो बड़ा सा, उसने बोला कि बाथरूम गया ये वो। तो हमने देखा उधर डोबा वोबा में जहाँ जाते हैं बाथरूम, वहाँ पर नहीं था वो। फिर पूरी रात 6-7 बज गए, ढूंढते नहीं मिला, पूरी गांव देख लिया हमने। फिर हमें पता नहीं था वो एरिया कौन सा है। फिर वहाँ पे वो किसी तालाब के पास किसी ने बताया, तालाब के पास किसी ने फ़ोन किया किसी को। फिर वो जाके वहाँ पे देखा, कपड़े पड़े हुए थे उसके, चप्पल उप्पल थी उसकी। उसी टाइम सारे गाँव वाले ने, फिर गाँव वाले सब आ गए हमारे साथ ऑटो में बैठ के, फिर वो ढूंढ कर बाहर हमारे निकालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। फिर देखने लगे नीचे टॉर्च मार के पानी के तालाब में कि क्या सारे है क्या लोग पानी के अंदर उतरे। फिर पानी में उतर गए बहुत सारे लोग, फिर निकल गए हमारी मदद की। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है ना, स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हुई क्या? यही स्नान करने के दौरान ही मौत हो गई है, लेकिन उसने जगह नहीं देखी थी वहाँ तक की। वो तो घर से कितना दूरी पर है नदी? 2-2.5 किलोमीटर। तालाब है या नदी है? वो पोखर बड़ा सा तालाब ही। कहाँ की घटना है ये? पेंसल्ला पोखर की घटना है। क्या नाम है इनका? कृष्णा कुमार। आधार कार्ड पर सिर्फ कृष्णा ही है। अच्छा, किनका लड़का है ये? रेखा देवी का पिता रघुनाथ सहनी। श्री रघुनाथ। घर कहाँ? पापा चले गए बहुत पहले ही। किस गांव घर है? पहला घर कहाँ? सकरडीहा। और थाना है? नहीं, पहले घर बताए। सकरडीहा का थाना कौन पड़ता है सर? हम लोग वहाँ नहीं जाते। कहाँ घटना घटी है? पेंसल्ला पोखर में। पेंसल्ला पोखर स्कूल का पोखर और नारायण पीपर पंचायत में। हाँ, थाना कौन सा है? छोराई ऑफिस। ओके, आपका कौन है? भाई है छोटा भाई। क्या नाम है आपका? रवि। उसका नाम क्या है? रवि कुमार।